खाना खजाना भी सीखा चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे भगोने में तैड़ी कैसे बनाते हैं। तैड़ी बनाने के लिए 1.5 कप चावल लिया है। चावल हमने छोटा वाला लिया है, बासमती चावल नहीं लिया है। छोटे वाले चावल से तैड़ी बहुत अच्छी बन के आती है। चावल को 2-3 बार अच्छे से धुल लेंगे। तैड़ी में डालने के लिए हमने खूब सारी सब्जियाँ ली हैं, बीन्स, गाजर, हरी मटर, आलू, गोभी। बीन्स और गाजर को लंबा लंबा काट लिया है, आलू के छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, गोभी को थोड़ा सा बड़ा बड़ा काटा है क्योंकि गोभी जल्दी से गल जाती है। तैड़ी बनाने के लिए भगोना लिया है। भगोने में 3 चम्मच के करीब सरसों का तेल डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। तेल अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें डालेंगे 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी दालचीनी, जावित्री, 10-12 काली मिर्ची, 1/2 छोटा चम्मच जीरा। खड़े मसालों को अच्छे से भून लेंगे। खड़े मसाले भून गए हैं, अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच प्याज लहसुन का पेस्ट। पेस्ट को 2 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। दो मिनट हो गए हैं प्याज और लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए। अब इसमें डालेंगे बड़े साइज का कटा हुआ टमाटर। टमाटर के साथ ऐड कर देंगे मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे जिससे कि मसालों का एक पेस्ट बन जाए और मसाले अच्छे से भुन जाए। सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। मसालों को तब तक भूनेंगे जब तक इनसे तेल छूटना शुरू ना हो जाए और अच्छी खुशबू ना आने लगे। मसालों से तेल छूटना शुरू हो गया है, अच्छी खुशबू आने लगी है। मसालों में डालेंगे कटी हुई सब्जियां, सब्जियों को मसाले के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। सब्जियां मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो गई हैं। सब्जियों को 2 मिनट मसालों के साथ में भुनने देंगे। दो मिनट हो गए हैं सब्जियों को मसाले के साथ में भूनते हुए। सब्जियों में डालेंगे धुले हुए चावल। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, हाई फ्लेम पे ही चावल को सब्जियों के साथ में मिक्स करेंगे। चावल और सब्जियां अच्छे से मिक्स हो गई हैं। चावल को भी सब्जियों के साथ में 1 मिनट तक भूनने देंगे। इस तरीके से चावल और सब्जियों को भून के आप तैड़ी बनाएंगे तो तैड़ी का फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आएगा। रेसिपी अच्छी लग रही है तो इसको एक लाइक कर दीजिए। 1 मिनट हो गया है चावल को सब्जियों के साथ में भूनते हुए। चावल में ऐड करेंगे पानी। पानी को चावल के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। तैड़ी में पानी हमने 7 कप यूज किया है। जिस कप से मैंने चावल लिए थे उसी कप से मैंने 7 कप पानी डाला है। गैस की फ्लेम को हाई रखेंगे, एक बार पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, अब इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। गरम मसाला को अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे तैड़ी को ढक के पकने देंगे। तैड़ी को बीच बीच में चलाते रहेंगे जिससे कि भगोने की तली में चावल चपक के जले ना।
10 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए। चावल को मैश करके देखते हैं कि पका है कि नहीं। देखिए चावल आसानी से मैश हो जा रहा है, यानी कि अच्छे से पक गया है। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। टैडी को ढक के 5 से 6 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे कि चावल अच्छे से सेट हो जाए। 6 मिनट हो गए हैं टैडी को ढक के रखे हुए। देखिए चावल अच्छे से सेट हो गया है। इसमें डालेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। धनिया को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। टैडी को भगोने से बाहर निकाल लेंगे। देखिए कितनी बढ़िया टैडी बन के आई है। टैडी सर्व करने के लिए तैयार है। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।